Hello students, today we would be talking about sets, relations and functions, and we would see the theory of the same. Then we'd go to some basic questions and then to the questions of advanced level. We'd also see the framework on how we could look at sets and how we could look at functions. And today we have somebody who has scored really high in mathematics, and he'd be telling us on how to solve questions in the same. First of all, there is Venn diagram. Agar isme ek A koi set hai, ek B set hai aur ek C set hai. तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी में चाहिए तो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? सो व्हेन आई एम लुकिंग एट द वेन डायग्राम हियर एंड आई कैन सी ए बी सी एंड आई कैन सी सम नंबर्स, व्हाट आर दोस? मतलब जैसे ये पार्ट है ए, जैसे अगर फोर इधर फोर नंबर है तो फोर नंबर है मतलब वो जो ए में भी बिलोंग कर रहा है बी में भी बिलोंग कर रहा है. एक सेवन इधर नंबर है वो ए बी सी तीनों में बिलोंग कर रहा है. ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट नंबर है, जैसे एट नंबर है बाहर है, सबसे बाहर वो ना ए में है ना बी में है सी में है. ठीक है, ओके. अब मैं एक सेकेंड फार्मूला बताऊंगा. जैसे ए में अगर m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो हम a और b को दो रिलेट कैसे कर सकते हैं? a और b को हम 2 की पावर mn वेज में रिलेट कर सकते हैं. अब थर्ड है एक, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेट कर सकते हैं? मतलब जैसे a में कोई सेट्स हैं 1 2 3 और b में है 2 4 6, तो हम a के मतलब सेट्स बना सकते हैं. ओके, रिलेट 1 2 2 4 जैसे मैपिंग, या मैपिंग. ओके, अब जैसे अब ए में एम एन एलिमेंट्स हैं, तो हम ए के जितने सबसेट्स बना सकते हैं, जैसे ए में 1 2 3 हैं, तो हम ए के जैसे 1 2 2 3 ऐसे बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं, तो वो डायरेक्टली टोटल सबसेट्स 2 की पावर एन होते हैं. अब जैसे ए में एन एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट एक होता है, पावर सेट एक सेट होता है, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? उसमें टोटल एलिमेंट्स 2 की पावर एन होते हैं. पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक सेट होता है जिसमें पूरे जो सबसेट्स होते हैं वो पूरे उसके एलिमेंट्स होते हैं. उसमें एक फाई भी होता है, जो फाई मतलब नल सेट, और एक पूरा एस भी होता है, एस मतलब जो पूरा जो ओरिजिनल सेट था. ओके, सो उसमें क्या क्या कौन कौन से सेट्स होंगे? एक तो फाई होगा, और एक क्या फाई होगा? होगा और जो जैसे 1 2 3 है, एक एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, तो पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे जैसे 5 हुआ, फिर 1 2 हुआ, 2 3 हुआ, 1 2 3 1 3. ओके, ऑलराइट. So different combinations of elements which are there in that particular set is pure combination. Okay. All right. अब जैसे एक कोई सेट है A, उसमें n एलिमेंट्स हैं, B में m एलिमेंट्स हैं. तो और m less than equal to n दिया हुआ है. तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम A टू B. इंजेक्टिव फंक्शंस मतलब A में अगर कोई एक एलिमेंट है x, तो उसकी y में कोई इमेज होगी, B में कोई उसका वैल्यू मिलेगी. पर A में ऐसा कोई दूसरा x नहीं होना चाहिए, उसमें B में सेम y की वैल्यू मिल जाए. मतलब जैसे ए में कोई ऐसा है ए बी ए है एक्स वाई जेड और बी है 1 2 3, तो ए में अगर एक्स दे रहा है 1, तो वाई 1 नहीं दे सकता. ओके, वाई सेम इमेज नहीं दे सकता है उसकी. तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे इंजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल. इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका मतलब डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ऐसे ऐसे बस डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और ऐसे वरना कैलकुलेट करने में तो बहुत डिफिकल्ट है. परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के थ्रू आता है रिजल्ट. ओके, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होगा? प्रैक्टिकल यूज मोस्टली मैथमेटिक्स में, बस कैलकुलेशन से कोई प्रैक्टिकली ऐसा कोई यूज नहीं है. ओके, नेक्स्ट. अगर कोई यार इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो आर इनवर्स जो उसका इनवर्स होगा, जो इनवर्स जैसे आर ए से बी डिफाइंड है तो आर इनवर्स बी से ए डिफाइंड होगा, तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा. ओके, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा. ओके, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैंने फाइंड करने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट बताया है. जैसे अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव हो फंक्शन होगा, रिलेशन होगा या नहीं. तो उसमें हम वाई को एक्स रख देंगे और देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. ओके, और सिमेट्रिक में एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे, वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे, और फिर चेक करेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. और ट्रांजिटिव में फाइंड करने के लिए अगर एक्स वाई दिया है होल्ड कर रहा है, और वाई जेड भी दिया है होल्ड कर रहा है, तो हमें ये फाइंड करना है कि उन दो रिलेशन से हम एक्स जेड वो होल्ड कर पाएगा या नहीं. ओके, अगर फाइंड होल्ड कर दिया तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं कर पाया तो नॉन ट्रांजिटिव. राइट. नाउ 1 1 फंक्शन. अब एक 1 1 फंक्शन है, पहले बेसिक अगर हमें चेक करना हो 1 1 फंक्शन, तो हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करेंगे. अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो वो 1 1 फंक्शन है. ओके, अगर नहीं आया तो वो मेनी वन फंक्शन है.
ओके पर वन वन फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ. वन वन फंक्शन मतलब वही जो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा था इंजेक्टिव. वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं. तो वही मतलब एक्स की ए की वाई में जो जैसे एग्जांपल लिया था मैंने 1 2 3 एक्स वाई जेड लिया था बी में 1 2 3 तो एक्स का 1 है पर वाई का 1 नहीं हो सकता. वही वन वन फंक्शन की डेफिनेशन और मैनी वन उसका अपोजिट है. अब मैं ऑन टू फंक्शन करता हूँ. ऑन टू फंक्शन बहुत बेसिकली बहुत सिंपली समझा सकते हैं तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन. अगर जैसे एक्स ए कोई सेट है उसमें बी में वो एलिमेंट्स दे रहा है तो जैसे ए में एक्स वाई जेड है तो बी में 1 2 3 पूरे कवर होने चाहिए. बी में ऐसा नहीं है कि कोई 3 छूट जाए. ए में कोई है वो बी में इमेज नहीं दे पा रहा हो 3 की. तो ऑन टू में रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए. और इन टू इसका अपोजिट रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन होगी तो वो इन टू फंक्शन होगा. अब जैसे ए और बी कोई सेट हैं एम एंड एन एलिमेंट्स हैं उसमें तो नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स तो डायरेक्टली फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. ये बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. बहुत रेयरली यूज होता है इसका ज़्यादा यूज नहीं. ओके अब जैसे कोई ब्रैकेट ऑफ एक्स पे आते हैं. अगर कोई एक्स इंटीजर है तो ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स. पर अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वन. अब फ्रैक्शनल पार्ट पे आते हैं. एक फ्रैक्शनल पार्ट है एक्स. तो अगर आर एक इंटीजर कोई दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर तो आर इंटीजर है तो ये हमेशा इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा. राइट राइट राइट. अगर एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है और दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स तो हम इससे डायरेक्ट कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड टी है. ओके ठीक है. तो ये लास्ट के दो पार्ट समझा दो. अच्छा किस तरह है? मतलब जैसे कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है और हमें कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इजी लुक के लिए और मतलब आर का कोई इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि आर इंटीजर है तो वो डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा. आर का कोई यूज ही नहीं होता. एग्जैक्टली क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर है. तो अगर हमने इंटीजर लिया 4 और एक्स इज से 0.25 राइट and then 4.25 ka bhi fractional part is 0.25 is like is, okay so this is obvious. And what is the 13 point you said? Matlab if there is x fx equals to f of x plus t matlab har t period ke baad fx repeat apni value kar raha hai to usko hum uska period hum t kahenge. All right. Okay, so I think that was all of the theory in this particular chapter. So now let's get cracking on the questions and see how we can do the questions. All right, so let's start with question number 1. Okay, so question 1 says, let A be the set such that X is a multiple of 3 and B be a set such that X is a multiple of 5. So A set mein jo bhi hai wo multiple of 3 hai aur B mein jo bhi hai wo multiple of 5 hai. Okay. Then A intersection B is given by. Achha, ab isme kaise solve karenge isko? Ab jaise A intersection B hame nikalna hai. To A intersection B hame matlab A ka bhi hona chahiye aur B ka bhi hona chahiye. तो मतलब ए का होना चाहिए मतलब एक्स वो एक ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और एक्स ऐसा भी होना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 भी हो. right. पर हमने इधर 3 और 5 ऑब्जर्व करा. एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 ऑल्सो. अब इधर हमने ऑब्जर्व करा कि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए पर 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है. 3 और 5 प्राइम नंबर है तो हमें इंटरसेक्शन चाहिए जो दोनों का मल्टीपल हो. तो दोनों का मल्टीपल फिर प्राइम नंबर है दोनों तो दोनों का प्रोडक्ट का ही होना चाहिए. तो फिर 3 और 5 का प्रोडक्ट आएगा 15. तो हमें इसका मल्टीपल चाहिए ऐसा कोई एक्स चाहिए जो इसका मल्टीपल हो. अब हम डायरेक्टली ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हम डायरेक्टली ऑप्शंस में चेक कर लेंगे कि कौन सा 15 के मल्टीपल्स दे. तो इस केस में तो खैर सवाल बहुत आसान हो गया. लेकिन अगर ए इस तरह का सेट होता जहां पे वो मल्टीपल ऑफ 6 होता और बी इस तरह का सेट होता जहां वो मल्टीपल ऑफ 4 होता तो उसको कैसे सॉल्व करते? अगर मल्टीपल ऑफ 6 होता तो मल्टीपल ऑफ 6 हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ 6 होती है कि 3 का भी मल्टीपल 2 का भी मल्टीपल. एग्जैक्टली. और फॉर मल्टीपल ऑफ उस केस में हम एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सेट के. एग्जैक्टली राइट. ओके सो आई थिंक 4 और 6 के मल्टीपल में 12 का मल्टीपल होता तो वो हमारा आंसर होता. एग्जैक्टली. सो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का वेरिएशन हो सकता है जिसको हमने सॉल्व किया. ऑलराइट सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 reads, if there are 3 athletic teams in a school, 21 are in basketball team, 26 is in hockey team and 29 are in football team. 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball and 8 play all the games. The total number of members would be. Alright, so let me guess. Isme hame ye bataya ki basketball mein kitne log hain?
हॉकी में कितने लोग हैं, फुटबॉल में कितने लोग हैं, उसके बाद दोनों के इंटरसेक्शन को भी हमें बताया गया, जो दोनों गेम खेल रहे हैं, और तीनों के भी इंटरसेक्शन को बताया गया. तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट बाय ड्रॉइंग अ वेन डायग्राम. या बेसिकली ये वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, इसको वेन डायग्राम से अप्रोच करना है. तो वेन डायग्राम हमने बनाया, हमने ए को लिया, जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं ए, ए बास्केटबॉल वाले हैं जो बास्केटबॉल गेम खेल रहे हैं, बी हॉकी वाले हैं और सी हमारे फुटबॉल वाले हैं. अब हमने ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया और अपनी नंबरिंग करी सेम जो प्रोसीजर में थ्योरी में एक्सप्लेन करा हुआ है. देन हमें इसमें एलिमेंट, हमें 1 2 3 4 5 6 7 रीजन चाहिए. तो हमने फिर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 वाला रीजन. तो हमने अपना फॉर्मूला वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूज करा. उसमें एन ऑफ ए में इंक्लूड्स होंगे नंबर 1 4 5 7, एन ऑफ ए में होंगे 1 4 5 7 राइट, बी में होंगे 2 4 7 6 6 7 ओके, एंड सी में होंगे 3 5 6 7 ओके, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में होंगे 4 7 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसमें होंगे 6 और 7 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, इसमें होंगे 5 और 7 राइट, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें 7 है ओके. अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 रीजन चाहिए, तो हम इससे देख सकते हैं फॉर्मूले से, एन ऑफ ए में हमारा इंक्लूड हो रहा है 1 4 5 7, वन एक टाइम ही हो रहा है, एन ऑफ बी में भी एक बार 2 आ रहा है, एन ऑफ सी में एक बार 3 आ रहा है, पर एन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वाले में 4 2 times आ रहा है. तो हमें 4 एक बार एलिमिनेट करना होगा, तो हमने इससे 4 देख लिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एक बार 4 एलिमिनेट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी में एक बार 6 एलिमिनेट हो गया और सी इंटरसेक्शन ए में 5 एलिमिनेट हो गया, और 7 3 times एलिमिनेट हो गया, पर हमें 7 एक बार इंक्लूड करना है. तो फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से 7 इंक्लूड करा और फिर फाइनली हम वैल्यूज पुट कर देंगे अपनी डायरेक्ट, तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो वैल्यूज पुट करिए हमने 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 40, ये 43 हमारा आंसर आ गया फाइनली, हमें 43 वी कैन टेक ओके. ऑलराइट, इसमें तो खैर डायरेक्टली फार्मूले से आ गया, बट द रीजन व्हाई वी टुक वेन डायग्राम हियर वाज सो दैट इन केस दे हैव आस्क्ड यू टू टेक आउट एनी नंबर ऑफ से द वैल्यू फॉर 1 or 2 or 3 यू विल बी एबल टू टेक इट, क्योंकि इसमें हमें 7 का नंबर तो पता ही है राइट, 7 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 राइट, तो 8 लोग सब खेलते हैं, इसका मतलब 7 इज इक्वल टू 8 और हमें ये 4 और 7 का टोटल सम भी पता है राइट. 4 और 7 का टोटल सम कितना होगा, 4 और 7 ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें पहले से ही दिया हुआ है 21 इसका मतलब देन इट्स नॉट 21 इट्स 14 राइट, इसका मतलब 4 की वैल्यू हो गई 7 राइट. इस तरीके से हम बाकी सारे नंबर्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर सवाल में और भी कुछ पूछा जाए तो हम वेन डायग्राम से उसको सॉल्व कर सकते हैं राइट. तो 4 की वैल्यू होगी 6 बिकॉज 7 की वैल्यू तो 8 है, उसे मैं गलती से 7 ले रहा था राइट. सो दैट मिस्टेक यू शुड नॉट डू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स वेयर इन यू टेक 7's वैल्यू एज 8 एंड नॉट 7's वैल्यू एज 7 राइट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's read it out. R is a relation over the set of integers and it is given by xy such that x minus y modulus is less than 1. Then R is. क्या मतलब हुआ सवाल? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे एक हमें रिलेशन टाइप की दी हुई है mod of x minus y less than equal to 1. अब हमें पूछा है कि R क्या होगा, reflexive, symmetric, symmetric, transitive. ऐसे इक्विवेलेंस तीनों होता है, इक्विवेलेंस में तीनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होते हैं. तो मैंने पहले के बेसिक जैसे नोट्स में बताया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम वाई को एक्स रखते हैं, तो वाई को एक्स से रिप्लेस करा तो हमने एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 मिला, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव फिक्स हो गया. अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें एक कंडीशन तो उन्होंने दी हुई है एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1, अगर हमें x को हम y से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे सिमेट्रिक के लिए, तो हमने y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू है या नहीं ये हमें चेक करना है. तो ये अगर फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है x माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली y माइनस एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा.
अब ट्रांजिटिव के लिए हमें जैसे x, y वाली रिलेशन दी हुई है x माइनस y लेस देन इक्वल टू 1 और हमने एक अगर हमें एक दूसरी भी रिलेशन दी हुई है जिसमें y और z इंक्लूड हैं और उसमें दिया हुआ है y माइनस z लेस देन इक्वल टू 1 तो हमें अगर इससे हमें ये प्रूव करना है कि x और z की भी वो रिलेशन होल्ड हो अगर x माइनस z लेस देन इक्वल टू 1 हमने प्रूव कर दिया तो वो ट्रांजिटिव होगा एग्जैक्टली बट वी कांट से फ्रॉम दिस टू रिलेशंस x माइनस y लेस देन इक्वल टू 1 y माइनस z लेस देन इक्वल टू 1 से कि x माइनस z भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा राइट तो मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक राइट सो वी कैन टेक ऑन द बी ऑप्शन ऑलराइट ओके दैट वाज गुड नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 ओके So we have question number 4 with us where it says let f is equals to r minus n fractional wherein r be a function defined by fn is equals to x minus m upon x minus n right okay where m is not equals to n now this function is batao ha ab is function mein hame 1 1 aur 1 2 ke bare mein discuss karna hai to 1 1 check karne ke liye theory notes mein mention kara hua hai कि f of x1 equals to f of x2 चेक करते हैं अगर x1 equals to x2 आएगा then only 1 1 होगा वरना नहीं होगा ओके तो अब इसमें हमने कैलकुलेशन करके x x1 equals to x1 पुट करा एक बार और एक बार x2 पुट करा ओके देन हम सॉल्व करते हैं इट्स n वी विल जस्ट राइट इट अगेन या देन सॉल्व करने पे हमें चेक करना है कि x1 equals to x2 आता है या नहीं then simply इसको simple mathematics से solve करने की तो बहुत yeah alright so we just calculate that which is x1 x2 minus mx1 minus n x2 plus mn okay yeah it comes finally here m minus n here m minus n cancel कर रहे हैं हम लोग पर ये zero नहीं हो सकता है right. तो इसलिए फिर m minus n not equals to zero है तो implies x1 equals to x2 ही होगा definitely right. तो मतलब ये function एक one one function है अब हमें ऑन टू के लिए भी चेक करना है ऑन टू होगा या इन टू होगा देन ऑन टू और इन टू के लिए मैंने ऑन टू के लिए थ्योरी नोट्स में बहुत ही सिंपली है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन चेक करें तो ऑन टू के लिए हमने चेक करा रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन तो हमने एक एफ एक्स को मान लिया के उसकी रेंज है तो के इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन इक्वेट करा अब इसमें हम बेसिकली एक्स को कन्वर्ट करते हैं एक्स एक्स को इक्वल्स टू समथिंग तो के एन माइनस एम इस सॉल्व करने पे आएगा अपॉन के माइनस वन अब इसमें हमें दिया हुआ है कि रेंज हमें हमें कोडोमेन दी हुई है बी वो दी हुई है आर पर इसमें हमें के है हमारी रेंज और एक्स बिलोंग्स टू आर है तो पर के डिनोमिनेटर है के माइनस वन डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो के नॉट इक्वल टू वन होगा तो हमारी रेंज में वन नहीं होगा पर कोडोमेन में हमें आर दी हुई है तो रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं हुई क्योंकि इसमें वन एलिमिनेट हो रहा है तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है ये एक इन टू फंक्शन है ऑलराइट तो फिर हमारा वन वन एंड इन टू फंक्शन हो गया तो हम टिक कर सकते हैं इसको बी ऑफ ऑलराइट ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ So we have question 5 in front of us which says if fx is equals to root of 3 modulus of x minus x minus 2 and gx is equals to sine x then domain of definition of fgx is. Now I have a question. What is domain of fgx? Does it mean क्या इसका ये मतलब होता है कि fgx की value कहाँ से कहाँ तक हो सकती है या उसका ये मतलब होता है कि fgx को exist करने के लिए x की value कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? Yeah, exactly. Second part जो fgx को exist करने के लिए x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए वो डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ f ऑफ gx होगी तो हमें यही फाइंड करना है तो f ऑफ gx एग्जिस्ट करने के लिए gx f की डोमेन में होना चाहिए तो मतलब gx f की डोमेन में होना चाहिए तो हम पहले डोमेन निकाल रहे हैं तो पहले हम fx की डोमेन निकाल रहे हैं तो 3 ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है राइट देन 3 ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए देन इधर से हमने मॉड ओपन करेंगे एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है इधर से कैसे सॉल्व कर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है और x लेस देन इक्वल टू 0 के केस में सॉल्व करेंगे तो मॉड नेगेटिव खुलेगा हां तो -3x -4 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन x लेस देन -2 आएगा इधर से ओके अब gx fx की डोमेन में होना चाहिए -1/2 या x less than -1/2 सॉरी ओके
अब जी एक्स एफ एक्स की डोमेन में होना चाहिए तो जी एक्स को हम एक्स से रिप्लेस करेंगे, मतलब एक्स की जगह हम जी एक्स रखेंगे क्योंकि एफ एक्स में हमने एफ ऑफ जी एक्स कंपेयर करा है, तो फिर जी एक्स हमारा दिया हुआ है साइन एक्स, तो हमें इसमें साइन एक्स फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस माना हमने, तो इसमें साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, और तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो हो ही नहीं सकता है, मतलब सिर्फ इक्वल टू वन हो सकता है साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू वन इधर से आ गया हमारा, और सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग साइन एक्स लेस देन माइनस वन बाई टू आएगा, पर साइन एक्स माइनस वन से वन बिलोंग करता है तो साइन एक्स हो जाएगा फिर हमारा लेस देन माइनस वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो अब इसमें हमें साइन एक्स इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन चाहिए थर्ड मान लिया, तो थर्ड के करस्पॉन्डिंग हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू वन, तो साइन एक्स का हमें पीरियड पता है टू पाई होता है, तो अगर हम जीरो से टू पाई में देख लेंगे कौन सी वैल्यू है तो हम जनरलाइज करने के लिए फिर प्लस टू एन पाई एड कर देंगे वेयर एन इज एन इंटीजर, तो जनरलाइज हो जाएगा, तो साइन एक्स का हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा, ये साइन एक्स का ग्राफ है और साइन एक्स वन होता है पाई बाई टू पर, तो इससे हमारा पाई बाई टू सॉल्यूशन आ रहा है, अब हमें जनरलाइज करना है तो प्लस टू एम एन पाई एड करा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, अब फोर्थ के करस्पॉन्डिंग इधर ही साइन एक्स माइनस वन से माइनस वन बाई टू चाहिए, लिख दो फोर्थ लिख दो, या साइन एक्स माइनस वन से वन बाई टू चाहिए, तो हमने माइनस वन की लाइन खींची और माइनस वन बाई टू की लाइन खींची, दिस वैल्यू इज सेवन पाई बाई सिक्स और ये है इलेवन पाई बाई सिक्स, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x 7 पाई बाई सिक्स से 11 पाई बाई सिक्स, और जनरलाइज करने के लिए हम 2m पाई ऐड कर देंगे, तो 2m पाई प्लस 7 पाई बाई सिक्स x लेस देन इक्वल टू लेस देन 2m पाई प्लस 11 पाई बाई सिक्स, अभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया वेयर m इज एन m और n आर इंटीजर्स, तो वी कैन टेक द ऑप्शन d, व्हिच वन इज द ऑप्शन d, इन दिस d दे हैव गिवन 2m पाई प्लस 5 बाई सिक्स।